है दोस्तों, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइज मोमोज। तो उसके लिए मैं यूज की हूँ, तो उसके लिए मैं पहले 3 हरी मिर्च ली हूँ और 1 शिमला मिर्च ली हूँ, 1 गाजर ली हूँ और आधा केजी के लगभग मेरा पत्ता गोभी है, थोड़ी सी धनिया पत्ता है और 2 इंच का अदरक ली हूँ मैं। और उसके बाद मैं मैदा ली हूँ लगभग 300 ग्राम, और उसमें मैं आधा चम्मच नमक दी हूँ, आधा छोटी चम्मच नमक दी हूँ और आधे छोटी चम्मच रिफाइन ऑयल दी हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल डाल कर इसे मैं गून ली हूँ आटा को। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको गून ली हूँ। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, मैदा जब भी आप गूनें तो उसे गीला होने का डर रहता है, तो ज़्यादा गीला ना करें और धीरे धीरे पानी डालें। तो मैं इसको अच्छी तरीके से गून ली हूँ और इसे ढक करके मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दी हूँ, और तब तक मैं जो ली हूँ हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च सब उसे काट लेती हूँ। तो देखिए ये मेरा हो चुका है, इसे मैं ढक कर रख देती हूँ, और ये जो गाजर है उसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, और आदि को भी कद्दूकस कर लूँगी, पत्ता गोभी को भी, और इसी तरीके से शिमला मिर्च को भी, और वो जो धनिया पत्ता ली थी मैं उसे काट ली हूँ छोटी छोटी बारीक में, और हरी मिर्च जो ली थी उसे भी मैं काट ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसी तरीके से मैं सारा को कद्दूकस कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये सारा हो चुका है, और अब मैं पत्ता गोभी को कद्दूकस करूँगी। देखिए इसी तरीके से मैं पत्ता गोभी को भी कद्दूकस कर लेती हूँ, और जितना आप बनाएं मोमोज उसके अनुसार आप पत्ता गोभी या फिर गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ता जो भी लेना है आपको वो आप अपने अनुसार लें, जितना का बनाएं उतना। तो मैं चार पांच सदस्य के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ और मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊँगी। तो वो जो मैं पत्ता गोभी का कद्दूकस की थी उससे उसका मैं पानी निचोड़ दी हूँ, और फिर उसे एक बॉल या आप एक थाली किसी में भी रख सकते हैं। और ये देखिए ये मैं करछुल चढ़ाई हूँ, करछुल मेरा गर्म हो चुका था तो उसमें मैं 2 से 3 चम्मच रिफाइन ऑयल डाली हूँ, और ये गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं डालूँगी अदरक जो मैं घिस कर रखी थी वो अदरक, और वो हरी मिर्च जो मैं काट कर ली थी, तो वो दोनों को मैं हल्का सा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है, ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, बस एक मिनट बहुत हो गया पकाना है, और पका करके उसी में डाल देना है। जिस बॉल में हम पत्ता गोभी गाजर सब लेंगे उसी बॉल में हमें इसे डाल देना है थोड़ी सी पका करके। तो देखिए मैं ये हल्का सा पका ली हूँ, और इसे मैं अब उसी में डाल दूँगी। तो मैं बॉल में नहीं ली हूँ, बड़ा सा थाली में ली हूँ, अगर आप चाहें तो बड़ा सा कटोरी में ले सकते हैं। तो देखिए ये मेरा पक चुका है, अब मैं इस थाली में डाल देती हूँ, और इसमें मैं अब स्वाद अनुसार नमक दूंगी। और कोई क्यों क्या करता है इसे फ्राई भी करता है हल्का सा, तो मैं फ्राई नहीं की हूँ, मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। अगर आपको फ्राई करना है तो आप थोड़ी सी 2 चम्मच के लगभग रिफाइन ऑयल दे करके इसे 2 मिनट के लगभग फ्राई भी कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसे मैं अच्छी तरीके से मिला देती हूँ ताकि नमक पूरा मिल जाए। और नमक आप तब डालिएगा जब आप बनाना शुरू कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है पहले ही अगर आप नमक डाल दीजिएगा तो वो पानी छोड़ देता है और फिर अच्छी तरीके से मोमोज नहीं बन पाता है। अगर आप इसमें मटर देना चाहते हैं तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं मटर ऐड नहीं की हूँ। और इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हुआ, अगर आप नहीं देना चाहते हैं शिमला मिर्च तो नहीं भी दे सकते हैं। तो देखिए ये मेरा 15 मिनट हो चुका है, और अब मैं इसे फिर से एक बार अच्छी तरीके से मिला देती हूँ, और छोटी छोटी टुकड़ों में इसे मैं काट लेती हूँ, इसका लोई बना लेती हूँ, और इसका मैं अब पूरी बनाऊँगी।
जितना पतला हो सके आपसे उतना पतला आप पूरी बना लीजिएगा सारा का। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से, आप एक बार बना कर देख लें, ज़्यादा मोटा हो जाए तो फिर उससे छोटा करके पतला कर लेना। और इसमें एक चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैं स्टफिंग डाली हूँ, और इसे मैं इसका मैं मोमोज बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसे करना है, इस तरीके से मोमोज को बनाना है, अंगूठे से दबाते हुए इसको छोटे छोटे करके लेना है। और लास्ट में इसे इस तरीके से दबाते हुए दबा देना है अंदर में, और अगर ज़्यादा है रहता है वो तो उसे थोड़ा सा आप तोड़ कर हटा भी सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा मोमोज तैयार हुआ। इसी तरीके से मैं जितना बनाऊंगी सारा का बना लूँगी। ये दूसरा भी मैं दिखाती हूँ आपको, और लास्ट में इस तरीके से घुमाते हुए आपको बनाना है। तो ये मेरा है स्टीमर, स्टीमर में मैं 1 लीटर करीब पानी डाली हूँ, और इसे हाई फ्लेम पे पहले उबलने दूँगी। जब मेरा पानी उबल जाएगा, तो मेरा पानी उबल चुका है, अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ ताकि ये चिपके ना। आप वैसे भी दे सकते हैं पर वैसे देने से चिपक जाता है, तो आप थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल लगा दें जहाँ जहाँ आपको देना है। तो देखिए मैं ऊपर में भी डाल देती हूँ इसको, तो जहाँ जहाँ मैं डालूँगी वहाँ वहाँ रिफाइन लगा दी हूँ, और वो मेरा उबल चुका है पानी। तो पानी को आप पूरा उबलने दें, उसके बाद इसमें डाल करके उसको स्टीमर में रख दें। तो मैं इसे 6 से 7 मिनट के लिए ही पकाऊंगी, क्योंकि ये मेरा फ्राइज मोमोज है इसीलिए मैं कुछ देर ही पकाऊंगी। अगर मेरा फ्राई मोमोज नहीं रहता तो इसे मैं 10 से 12 मिनट के लिए पकाती, तो हल्का सा धुआं निकलने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी। तो देखिए ये मैं डाल दी हूँ, और अब इसमें डाल देती हूँ। अगर आपको ऊपर में नहीं डालना हो तो नहीं भी डाल सकते हैं, आप चार चार करके ही डालिए। और इसे मैं ढक देती हूँ। तो देखिए इससे थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, यानी कि मेरा 6 से 7 मिनट हो चुका है लगभग, और धुआं भी निकलने लगा है। तो जब हल्का सा धुआं निकलने लगे तब आप समझ जाइएगा कि हो चुका है, और इसे हल्का ही पकाना रहता है क्योंकि ये फ्राई मोमोज है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, देखिए ये हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसे मैं किसी भी चीज़ में निकाल ली हूँ, और इसे अब मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई के लिए मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, कढ़ाई में डाली हूँ तेल 25 से 50 ग्राम के लगभग, मतलब जितना आप फ्राई कर सके, एक बार में जितना डूब सके उतना डालिएगा। तो मैं 25 ग्राम के लगभग तेल डाली हूँ, तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मोमोज, जितना एक बार में डूब सके उतना मैं डालूँगी। तो मैं 4-5 करके डालती हूँ इसमें, और इसे मीडियम आँच पर मैं पकाऊँगी। और तेल को आप पूरा गर्म होने दें पहले, उसके बाद डालें, क्योंकि अगर थोड़ा सा गर्म होने में डालेंगे तो चिपकने का डर रहता है इसे। तो देखिए मैं एक बार में 4, 3, 7 डाली हूँ, मतलब जितना मेरा डूब जाता है उतना मैं डाल दी हूँ। आप अगर ज़्यादा तेल डालिएगा तो आप ज़्यादा होगा। तो मैं रिफाइन ऑयल में पका रही हूँ इसे, और देखिए जब आपको लगे कि ये सिक हो चुका है तो आप उसे पलटा लें, और इसे ज़्यादा ना पकाएं, हल्का ही ब्राउन रखें। तो इसे मैं एक एक करके पलट ली हूँ, और दूसरी साइड भी लगने दूंगी मैं मीडियम आंच पे। और इसी तरीके से मैं सारा जितना भी है सारा को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए ये मेरा हो चुका है। अगर आप इसे कच्चा फ्राई करना चाहते हैं तो आप कच्चा भी फ्राई कर सकते हैं बिना स्टीमर में दिए हुए। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारा बना लूँगी। ये मेरा हो चुका है, अब मैं किसी भी चीज़ की मदद से इसे निकाल लेती हूँ,
और इसका जो भी तेल होगा वो मैं निकाल लूँगी, निकालने दूँगी। और उसके बाद ये मेरा हो चुका है। तो ये रहा मेरा मोमोज का फाइनली लुक, मेरे मोमोज। आप रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में बताइएगा कि मैं आपके लिए आगे क्या लेकर आऊँ। और मोमोज के साथ मैं यूज कर रही हूँ मोमोज चटनी और मेयोनीज। मोमोज चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूँगी और मेयोनीज की भी रेसिपी मैं बताऊँगी कभी ना कभी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा जितना भी वीडियो है सब आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।